मेरा कोट धाना फिक्स हो गया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। ऐसे लग रहा है जैसे मेरी मेरी लाइफ ने गियर बदल दिया और मेरी लाइफ पीटी उषा की तरह उड़ने लगी है। और ऐसे लग रहा है जैसे मैं जैसे कि रोलर कोस्टर हूं। हां एग्जैक्टली दी, पर आपको कैसे पता? लाइफ ऐसे ही होती है मिष्टी, ये तेरी साइकिल की तरह नहीं है कि जब तू पैडल मारे तब चल पड़े। ये ना किसी पागल साइंटिस्ट की फ्यूचर में बनाई हुई किसी ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह है, जो गियर भी अपने आप बदलती है और स्पीड भी अपने आप पकड़ती है। हमें तो बस सीट बेल्ट लगाकर खिड़की वाली सीट पर बैठ के देखना है कि हमें कहाँ ले जाएगी। पर दी मैं थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ बैठ जा और अब किसी चीज को हाथ भी मत लगाना। ठीक है ओके। लंबी सांस ले और मुझे बता क्या सोच रही है, कैसा लग रहा है? दी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जैसे मुझे खुश होना चाहिए पर मैं खुश नहीं हूँ। मैं सैड सॉन्ग्स लगा के रो भी नहीं रही हूँ लेकिन मैं संगीत के गाने लगा के डांस भी नहीं कर रही हूँ। तिलक फिक्स होने के बाद हर लड़की चाहती है कि वो अपनी संगीत की प्रेपरेशन शुरू करे, बहुत खुश होती है लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ फील ही नहीं हो रहा है। जरूरी नहीं है। हाँ वैसे कुछ फैमिलीज में दुल्हन के डांस करने को बुरा मानते हैं ना। अभी फैमिली बाकी लोग दुनिया क्या सोचती है उसे भूल जा और ये बता कि तू खुश क्यों नहीं है? जिस दिन रिश्ता आया था उस दिन कैसा लगा था? उस दिन मुझे आपकी बेटी पसंद है, मुझे मिष्टी पसंद है। मुझे कैसा लगता? मुझे तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया था। तो सबको ये लगता है कि तू दुनिया की सबसे लकी लड़की है जिसे बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया, अच्छी फैमिली, प्री वेडिंग मेल मिला और एक ऐसा लड़का जिसे तेरे लिए सिलेक्ट भी नहीं किया गया था। पर मुझे ये लगता है मिष्टी कि तू वो लड़की है जिसके पास ना कहने का कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि बाकी सब ने तेरी तरफ से हाँ कह दी है। जसमीन चाची वो तो अभी यही बोल रही होंगी ना कि किस्मत देखो मुंह बोली की, घर बैठे बिना ढूंढे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। और क्या चाहिए लड़की को? सुकून, भरोसा, प्यार। प्यार? क्या प्यार सच में देखते ही हो जाता है दी? मिष्टी प्यार सबके लिए अलग होता है पर होता है, होने की उम्मीद होती है। तो मुझे एक बात बता लेकिन दिल से जवाब देना, दिमाग मत लगाना। तुझे लगता है तू कभी अबीर से प्यार कर पाएगी? What? अबीर? सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई। कुणाल, तुझे लगता है तू कभी कुणाल से प्यार कर पाएगी? जब मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें रेड स्पोर्ट्स कार में देखा था तो अच्छा लगा था, फिर तुम्हारा रिश्ता आया तो भी अच्छा लगा, लेकिन मेरी कोई चीज मेरी कहाँ हो पाती, सब कुछ मिष्टिका हो जाता है। बचपन में टॉयज मिष्टी ले लेती थी और अब जब बड़ी हुई तो मुझसे मेरा रिश्ता ले लिया, आज तक मारी गई कू। मैंने मूव ऑन करने की कोशिश की थी, तुमने भी मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें की, मुझे जॉब करने दिया, तुमने मुझे गिफ्ट दिया। मुझे लगा था कि शायद कोर्ट चिप के बाद तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि वाइब तो हम दोनों के बीच में है, लेकिन नहीं, हमारे बीच तो कोई वाइब भी नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर होती तो तुम गधों की तरह गोल ढाना के लिए हाँ नहीं करते। कुहू नीचे अकेली क्या कर रही है? आई डोंट केयर अबाउट यू एंड योर गोल ढाना, आज तक गोल ढाना की ऐसी गीत है। ये उसने क्या फेंका? लुक्स, पर्सनालिटी, एटीट्यूड सब मैं मिष्टी से अच्छी हूँ, पर किसी को दिखाई क्यों नहीं देता? कुणाल को क्यों नहीं दिखता? क्लास में भी मिष्टी फर्स्ट आती थी,
और लाइफ में भी मिष्टी फर्स्ट आ गई। मैं तब भी हारती थी और अब भी हार गई। इसे क्या हो गया है? मुझे देखना चाहिए। कुणाल ने मिष्टी को सिलेक्ट किया है ना, इससे तो यही पता चलता है कि स्पोर्ट्स कार की आईक्यू कितनी कम है। मुझे ऐसे स्टूपिड लड़के से शादी ही नहीं करनी, मुझे तो बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। हैशटैग दी बेस्टेस्ट। कि कुहू कहाँ चली गई? कुहू, कुहू, ने इसे फेंक क्यों दिया? दी कहती है प्यार होता है, प्यार होने की उम्मीद होती है, पर ये उम्मीद आती कहाँ से है? मॉल में थोड़ी मिलती है जो जाके खरीद। मुझे कैसे समझ आएगा कि मुझे प्यार हो सकता है? तिलक होने का इतना इंतजार कर रही हूँ कि सो भी नहीं पा रही। सोगी नहीं ना तो आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाएंगे। हैशटैग कू वाली बात। नर्वस हो? आंटी, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। आपकी तो लव मैरिज हुई थी ना, तो क्या आप भी नर्वस थी? बहुत ज्यादा। शादी का रिश्ता किसी एक से तो जुड़ता नहीं है, पूरी फैमिली पूरे घर से जुड़ता है। जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है उनको छोड़ के जाने का डर तो लगता ही है, लेकिन हाँ साथ में मुझे ये विश्वास था कि मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ पे मुझे उतना ही प्यार मिलेगा क्योंकि वहाँ शौर्य है। क्योंकि आपको पहली बार में शौर्य अंकल को देखती समझ आ गया था कि आप उनसे प्यार करती हैं? इतनी बड़ी बात एकदम से तो समझ में नहीं आई थी, लेकिन हाँ बहुत सारी छोटी छोटी बातों ने धीरे धीरे समझा दिया। शौर्य को पता था कि मुझे कौन सा फूल पसंद है, जब मेरा मूड खराब हो तो मुझे कैसे हंसाना चाहिए। कोई भी कड़वी बात बताते हैं ना तो उनको पता है कि उसकी याद को कैसे मीठे बनाना है। और सच कहूँ ना अब तो मुझे कोई भी ऐसा मुश्किल वक्त याद नहीं है जिसमें उन्होंने मेरा साथ ना दिया हो। ट्रस्ट मी मिष्टी, हो सकता है एकदम से तुम्हें समझ ना आए, लेकिन जब ये बातें होंगी ना तो तुम्हारा दिल तुम्हें खुद बता देगा। तुझे खुद समझ में आ जाएगा कि तू उससे प्यार करती है, स्पेशली तब जब वो करेगा जो तेरे दिल में है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।